हरिद्वार के व्यस्ततम रानीपुर मोड़ के पास श्री बालाजी ज्वेलर्स के यहाँ डकैती डालने वाले बाइक सवार दो बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया है। हरिद्वार पुलिस की देर रात बहादराबाद के धनौरी के पास बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहाँ उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनयाल ने बताया कि 1 सितंबर को बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई डकैती के आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही थी। वही जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा था। कल देर रात दोनों बदमाश भेल तिराहे पर चेकिंग के दौरान जब इनको रोका गया तो बदमाश फायर करते हुए भाग निकले। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश की गोली लगने के बाद मौत हो गई। उसके ऊपर 1,00,000 का पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था, पंजाब का रहने वाला था। दूसरा फरार आरोपी भी तलाश जारी है उसकी भी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। जिस दिन से ये दिन में 1 तारीख को बालाजी ज्वेलर्स में डकैती की घटना हुई, तब से हम लोगों के द्वारा विभिन्न टीमें गठित की गई है, जिसमें एसटीएफ का भी सहारा लिया जा रहा है और सब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और उनके द्वारा जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक्टिवा है उनकी बरामदगी के आधार पर हम लोग लगातार प्रयासरत थे। और यहाँ भी शहर में होटल, धर्मशालाएँ, बस अड्डे, जहाँ भी इनके छिपने के चांसेस हो सकते थे, सब जगह चेकिंग इत्यादि किया जा रहा था। और कल भी उसी चेकिंग का एक पार्ट था। रात में थानाध्यक्ष बादराबाद भी यहाँ BHL की राह पर चेकिंग कर रहे थे, तो अनायास ये जो है बदमाश भागे। पब्लिक की काफ़ी भीड़ थी, उसके बीच में ही जैसा सीसीटीवी फुटेज में भी आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि उनके द्वारा फायरिंग की गई है, फिर पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया। तो यहाँ पर जो घटनास्थल है, यहाँ पर उनकी बाइक जो है रपट जाती है, जिसके कारण फिर वो भागे। ये घटनास्थल है, यहीं पर पुलिस पर उन्होंने फायर किया था। पुलिस के द्वारा जो है आत्मरक्षार्थ जो फायरिंग की गई और यहाँ पर वो घायल हुआ बदमाश। फिर उसके बाद यहाँ से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर ब्रॉड डेड डॉक्टर के द्वारा घोषित किया गया।